नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र और मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के मध्य रेलवे लाइन पर हर रात करीब 3 घंटों का लिया जा रहा है पावर ब्लॉक। घाटकोपर और भांडुप स्टेशन के बीच अप और डाउन स्लो लाइन, अप और डाउन फास्ट लाइन और 5वीं और 6वीं लाइन पर विक्रोली अरोबी के गर्डोलों की लॉन्चिंग के लिए 14 अप्रैल तक लिया जाएगा ब्लॉक। इस दौरान कई लोकल ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित होने के साथ लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ेगा असर। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर मालामाल हुआ मध्य रेलवे। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य रेलवे ने उपनगरीय लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों से वसूला 300 करोड़ रुपए का जुर्माना। खत्म हुए वित्तीय वर्ष में मध्य रेलवे के 6 डिवीजनों में से मुंबई डिवीजन ने सबसे अधिक 115 करोड़ रेवेन्यू किया जनरेट। इस दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। जीआरपी पुलिस के सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मुंबई लोकल ट्रेन में रात 11 बजे के बाद सफर के दौरान महिला यात्रियों को लगता है डर। रेलवे पुलिस ने महिलाओं की समस्या, शिकायतों और अनुभव को जानने के लिए किया है सर्वे। 1 मार्च से 3 मार्च तक चले इस सर्वे में करीब 3000 महिला यात्रियों ने लिया भाग। ज्यादातर महिलाओं ने रात के समय सफर करने को बताया असुरक्षित और कहा कि लगता है डर। एक सड़क हादसे की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। अदालत ने एक्सीडेंट को एक्ट ऑफ गॉड मानने से किया इनकार। अदालत एक मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना को दैवीय कृत्य मानते हुए हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को मुआवजा देने से कर दिया था इनकार। अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर परिजनों को मुआवजा देने का दिया आदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत सरकार के कई मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर बकाया है लाखों रुपए का पानी बिल। बीएमसी का पानी बिल न भरने वालों में सीएम, डीसीएम के साथ मंत्री सुधीर मुंगंटीवार, दीपक केसरकर, उदय सामंत और राधा कृष्ण विखे पाटिल जैसे मंत्री भी है शामिल। सह्याद्री अतिथि गृह पर सबसे अधिक लगभग 36 लाख का पानी का बिल है बकाया। मुंबई के सबसे करीब और समुद्र तट पर बसे अलीबाग शहर का नाम बदल सकती है शिंदे सरकार। दरअसल नाम बदलने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र। अलीबाग शहर का नाम मैनाक नगरी करने की राहुल नार्वेकर ने की अपील। भारतीय जनता पार्टी का आज है 45वां स्थापना दिवस। इस मौके पर देश भर के बूथों में आयोजित किया जा रहे हैं खास कार्यक्रम। बूथ चलो अभियान की भी की गई शुरुआत। पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यक्रमों में हो रहे शामिल। महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव। दरअसल भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार न करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे लड़ सकते हैं कल्याण लोकसभा सीट से चुनाव। मुंबई महानगर पालिका के 9000 कर्मचारियों की मार्च महीने में कट गया वेतन। सभी कर्मचारियों के खाते में महज 1 रुपए। दरअसल पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न होने की वजह से सैलरी में की गई कटौती। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 में पहले 3 मैच हारने वाली मुंबई इंडियंस के लिए आई राहत भरी खबर। लंबे समय तक चोट के कारण खेल से दूर रहने वाले सूर्य कुमार मुंबई की टीम के साथ जुड़े और नेट सेशन में किया अभ्यास। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले में मैदान में उतर सकते हैं सूर्य कुमार। मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।